विभाग यानी महावितरण कार्यालय में दिए और मोमबत्तियां जलाकर यवतमाल जिले के दिग्रस शहर और तहसील शिवसेना ने दिग्रस महावितरण की लापरवाह कार्यप्रणाली का हटके अंदाज में विरोध किया है। बार बार खंडित हो रही बिजली आपूर्ति सेवा से त्योहार और उत्सवों का मजा किरकिरा हो रहा है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। मंगलवार की दोपहर को बड़ी संख्या में उपस्थित शहर तथा तहसील शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिग्रस महावितरण के उप कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए बार बार खंडित हो रही बिजली की समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में संपन्न हुई शांतता समिति की बैठक में आगामी उत्सव और त्योहारों के मद्देनजर महावितरण को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए पहले ही आगाह किया गया था। बावजूद इसके दुर्गोत्सव के पहले ही दिन बार बार बिजली खंडित कर महावितरण ने अपनी लापरवाही का प्रदर्शन किया, जिससे नाराज शिवसैनिकों ने महावितरण के कार्यालय में पहुंचकर दिए और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसैनिकों ने हाल ही में शुरू हुए दुर्गोत्सव सहित आगामी ईद ए मिलाद जैसे धार्मिक त्योहारों का हवाला देते हुए महावितरण को बार बार खंडित हो रही बिजली की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने की मांग की है। आरतीच्या वेळेस लाईन बंद होऊ देऊ नका। कृपया जर एखादी अघटित घटना घडली तर आम्ही जबाबदार धरायचं कुणाला, कारण आमच्या माता भगिनी या आरतीला सौभाग्य लेणं गळ्यात घालून येतात आणि ते सौभाग्य लेणं जर एखाद्यानं ओढलं तर त्याची जबाबदारी कुणाची हे सांगायला आज प्रेमानं आज सांगतो आहोत। पुढच्या वेळेस आम्ही शिवसेनेच्या भाषा सूचना देऊनही पहिले तर ते मीटिंग असल्यावर उपस्थित राहत नाही, उपस्थित असल्यावर त्यांना प्रश्न आम्ही विचारतो या भीतीने ते उपस्थित राहत नाही हे माहीत नाही आता, परंतु यांनी पुढे आम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांना सुद्धा निवेदनमध्ये दिलेलं आहे की शांतता कमिटीच्या बैठकीमध्ये यांना सक्तीची तिथे हजेरी असलीच पाहिजे, त्यामुळे गावातल्या जे लाईनच्या विद्युतच्या समस्या आहे त्यांना अवगत आम्ही करून देऊ शकतो। आणि इथे जे दिवे आम्ही आज लावलेले आहे, कारण लोकांच्या घरात इथे अंधार पडलेला आहे आणि MHCB मध्ये इथे लाईट चालू आहे, त्यामुळे आम्ही इथची सगळी विद्युत बंद करून इथे आम्ही दिवे लावण्याचा प्रकार आता इथे केलेला आहे आणि अशा प्रकारे आमचा निषेध आम्ही नोंदवलेला आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तालुका शिवसेना तालुका व शहरच्या सततची वीज खंडित होणारे आणि वीज वितरण कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे या धार्मिक उत्सवात विजेचा खंड पडतो, त्यामुळे एवढ्या मोठ्या उत्सवात कुठेतरी अनुचित प्रकार घडू शकतो याची खबरदारी म्हणून आम्ही आज वीज वितरण कंपनीला दिग्रस शिवसेना तालुका व शहरच्या वतीने निवेदन दिलं आहे। आणि संपूर्ण देशामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक सणालासुद्धा भारनियमनांचा जो हा लपंडाव आहे हा नेहमीच आपण पाहतो, तर हा लपंडाव कुठेतरी थांबला पाहिजे आणि योग्य प्रमाणात जशा प्रकारची मागणी विद्युतची आहे त्या प्रमाणात पुरवठा विद्युत नियामक आयोगाने देशाला केला पाहिजे। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महावितरण कार्यालय के परिसर में नारेबाजी कर महावितरण को लापरवाह कार्य प्रणाली में सुधार करने की पुरजोर मांग की। देखना होगा कि क्या महावितरण कार्यालय अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करता है या फिर बार बार खंडित हो रही बिजली की समस्या त्योहार और उत्सव की रौनक और रंगत को अंधेरे के हवाले करती है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।